नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। अक्षय तृतीया पर आज देश भर में परशुराम जयंती भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देश भर में आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर लोगों ने धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जम्मू में आज डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने आज सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के आयोजन के साथ एक कार व बाइक रैली भी निकाली गई। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने भी एक रैली निकालकर भगवान परशुराम को नमन किया। दूसरी ओर बिश्नाहा में भी आज परशुराम जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। आज बड़ा गे इतिहासिक दिन है, साड़ी परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य च अस ब्राह्मण सभा के इस प्रणांगण च खड़ोते रहे। सवेरे सवेरे साड़ा मंत्रो उच्चारण करने इतने हवन चलिया। हवन के उपरांत साढ़े जड़े युवा बच्चे ने उन्हें यज्ञोपवीत धारण किया, अपने संस्कार उन्हें जड़े ग्रहण किए न। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करनी हाँ अपने ब्राह्मण सभा का कि जिन्हें अपनी संस्कृति की अपने समाज की संजोइए रखने का जो जिम्मा अपने पर लेता हाँ अज वह निर्वाहन करा करते हैं। अज सारा युवा वर्ग जिहड़ा सारा परशुराम के जिहड़े भक्त न अपने जयघोष लगाते हुए पूरे अपने जम्मू परिसर की जिहड़ी मंदिरें दी है वो परिक्रमा कर गए और अपने समाज अपनी संस्कृति की और अपनी धरोहर की कि संभालिए रखना, ऐसा अपनी सोच अपने दिमाग च रखना। आप बहुत मैं साधुवाद दिनी हाँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देंदे हुए अज ईद का भी त्यौहार है, अपने सारे भैने भराएं मैं ईद की भी बहुत बहुत शुभकामना दिनी हाँ। भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे और अक्षय तृतीया के पर्व पे भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा। इसका इसकी रैली का जो शुभारंभ था वो तालाब तिलो बोड़ी से किया गया था। आप सभी के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बोलूंगा कि परशुराम जी की दी गई शिक्षाओं को जीवन में उतार कर अपने जीवन को कृतार्थ करें और उनका आशीर्वाद लेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस देश को कुरीतियों से बाहर निकालेंगे और देश के प्रति स्नेह प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस शुभ अवसर पर इतने ही शब्द कहते हैं। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद पर मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर इस पर्व की मुबारकबाद दी। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में भी आज मस्जिदों में आस्था का सैलाब उमड़ा रहा, जहां पर लोगों ने समा नमाज अदा कर देश की तरक्की की दुआएं मांगने के साथ साथ नेक राह पर चलने का प्रण भी लिया। आज ईद उल फितर है, जम्मू ईदगाह से हम बोल रहे हैं। पूरे मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम करें और पूरे मुल्क में नफरत की आग को ख़त्म करें, ये पैगाम हमने दिया। खुसूसन जम्मू कश्मीर में अमन व अमान रहे उसके लिए हमने दुआएं की, पूरी मखलूक के लिए दुआएं की। कोई भी हो, इसमें कोई मुसलमान और दूसरा नहीं है, बल्कि जो भी इंसानियत की ज़ात है हम सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला सबको सेहत तंदरुस्ती आफियत ईमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। आज अपनी तरफ से अपने तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम जम्मू वासियों को तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से, क्योंकि ईदगाह में जो नमाज पढ़ी जानी थी बारिश की वजह से वहाँ पे हालात क्योंकि वैसे नहीं थे कि ईदगाह में पढ़ाई जाती, तो लिहाजा वहाँ से जो नमाज थी वो अल्टीमेटली फिर जामिया मस्जिद मरकजी जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाई जा रही है और ये 9 बजे यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाएगी। अभी तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर आप लोगों को और तमाम लोगों को जो है ईद की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू की ये हमेशा रवायत रही, ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, कोई भी त्यौहार हो, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके मनाते हैं और यही एक इस जम्मू की खूबी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन सभी लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि ए अल्लाह ए ईश्वर ए वाहेगुरु जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आए, लोगों को खुशहाली आए और लोग
खुशी की ज़िंदगी बसर कर सके। इन परेशानियों में जो परेशानियाँ से ये जूझ रहा है, उन परेशानियों से हम निकलें, आज ईश्वर से अल्लाह से यही दुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस जद्दोजहद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ के लिए, यहाँ के लोगों के हकों के लिए, मैं समझता हूँ ईश्वर अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा और हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन देगा। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को एक बार फिर ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद। जम्मू के साथ साथ इस केंद्र शासित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रीनगर, पुलवामा, किश्तवाड़ और कठुआ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की और एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद भी दी। वहीं पुंछ, डोडा, बड़गाम और शोपिया में आज ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण पिछले 2 सालों से मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की गई थी और लेकिन इस बार राहत मिलने पर इन इबादत गाहों में नमाज के साथ के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। इस बीच भद्रवाह, राजौरी, कुपवाड़ा और सोपोर में भी लोगों ने आज ईद के पर्व की जमकर खुशियां मनाई। मस्जिदों में आज सुबह से ही नमाजों का तांता लगा रहा और शुरू हो गया था और जहां पर उन्होंने नमाज अदा कर अमन व शांति की दुआएं भी मांगी। जम्मू संभाग में हुई आज बारिश तपती गर्मी में झुलस रहे लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। आज तड़के मौसम में अचानक बदलाव होने से आसमान काले बादलों में घिर गया और उसके बाद गरज के साथ राहत भरी बारिश से तपिश भी छूमंतर हो गई। जम्मू सुबह पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहा था और जम्मू सहित अन्य जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गर्मी से बेहाल लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई थी और आज भी बारिश से तापमान काफी हद तक गिरने से उन्हें मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। आज मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है। इसके पहले 10-15 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही थी कि लोगों की बुरी हालत थी, बाहर मुंह नहीं निकाल सकते थे क्योंकि जो ये गर्मी पड़ रही थी ये तो 40 के भी ऊपर पारा चल पहुंच गया था। और आज ये जो बारिश हुई है थोड़ी बहुत, इससे मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। और एक है कि जो हवा चल रही है इसको, इसकी वजह से लोगों को जो खेती कर रहे हैं, गेहूं का टाइम है, उनको नुकसान भी है क्योंकि कहीं कोई गेहूं बाहर पड़ी हुई है, कोई लेके चले गए हैं। हवा नहीं चलनी चाहिए उससे क्योंकि जो किसान है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये मौसम बदलना ज़रूरी था क्योंकि लोग गर्मी से बहुत बुरी हालत थी इनकी, ना तो बिजली टाइम से आ रही थी ना लोगों को पानी मिल रहा था, इससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। एक्चुअली 3-4 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही थी जिसके कारण बिजली की भी कट था। आज मौसम थोड़ा सुहावना हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, इसके कारण थोड़ी लोगों को सहूलत हो गई है। अब भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि मौसम ऐसा ही रहे क्योंकि एक्चुअली बिजली के कट बहुत लग रहे थे, उसके कारण भी बड़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। मौसम का बिगड़ा मिजाज आज भद्रवाह के एक परिवार की जहां खुशियां छीन कर ले गया, वहीं पर कठुआ में भी एक शख्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भद्रवाह में सब डिवीजन के चिराला इलाके में चले भारी तूफान के बीच एक देवदार का पेड़ वहां से गुजर रहे एक युवती पर जा गिरा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान
18 वर्षीय काजल देवी पुत्री सतीश कुमार निवासी शरणी गांव के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक काजल और उसका भाई लकड़ियां इकट्ठी करने जा रहे थे कि अचानक देवदार का एक पेड़ उस पर जा गिरा, जिसमें कि उसकी जान ले ली। उधर ही कठुआ के नगरी इलाके में लेखराज नाम का एक शख्स आसमानी बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुबह कोई 8:30 बजे का वाकया है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जिसकी वजह में लड़की की डेथ हो गई। काजल देवी डॉटर ऑफ सतीश कुमार जो कि ये इधर लकड़ी के लिए आई थी, जो कि इसके साथ इसका छोटा ब्रदर छोटा लड़का भी था इसके साथ में एक, और जब पेड़ गिरने लगा हवा की तूफान की वजह से तो वो लड़की उसके पेड़ के नीचे आ गई जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जे लेखराज जी हैं, हमारे चाचा जी हैं। आज जब सुबह हम घर पर चाय पी रहे थे तो मैसेज आया कि आसमानी बिजली लेखराज के ऊपर पड़ गई है। वो घर के बाहर पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे, वो बिजली उनके ऊपर पड़ गई। हमने मोर्चा लिया, हम घर की तरफ भागने लगे, पता लगा कि हॉस्पिटल चले गए हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि लेखराज की हेल्प की जाए। चलिए रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए और फिर हाजिर होंगे बाकी खबरों के साथ। तो चलिए रुख करते हैं बाकी खबरों की तरफ। एक जमाना था जब हर घर की रसोई में पीतल और तांबे के बर्तन नजर आते थे और बाजारों में भी इन बर्तनों को बनाने वालों की दुकानें नजर आती थी। लेकिन बदलते वक्त के ने जहां पर अब रसोई घर से पीतल और तांबे के बर्तन गायब कर दिए हैं, वहीं पर इनको बनाने वाले कारीगरों को निगल लिया है और जो बच गए हैं वो मौजूदा समय में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किस हाल में है जम्मू शहर में पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले, पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। सुनसान पड़ी ये दुकानें जम्मू के मोती बाजार की हैं। एक समय था जब इन दुकानों के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब इन दुकानों की ओर कम ही लोग रुख करते हैं। ये दुकानें हैं पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की। एक जमाना ऐसा भी था जब इन कारीगरों के पास सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन आज इन कारीगरों का पूरा दिन ग्राहकों के इंतजार में बीत जाता है। समय बदला, लोगों के घरों की रसोई के बर्तन भी बदले और इस बदलाव में इन कारीगरों का नसीब भी बदल गया। पीढ़ी दर पीढ़ी से पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले ये कारीगर आज बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं काफी देर बनाता था हूँ बर्तन, दादे पड़दादे के टाइम के ही बन रहे हैं बर्तन। उनके बाद उनकी डेथ होने के बाद फिर मैंने संभाल ली दुकान, फिर मैं बनाता रहा बर्तन। पहले बहुत अच्छा काम था, अब जब महंगाई बढ़ रही है काम कम हो रहा है, तो कम ही हो गया, बिल्कुल बंद ही हो गया काम एक किस्म का। तो यही है, मंदिरों का काम माड़ा मोटा चल रहा है, हमारा दाल फुल्का चल रहा है। अगर हम बर्तनों का ही काम करते रहते अब तो मैं उन्हें भूखे ही रहना था, ना कोई बनना था कुछ ना कुछ, ऐसे ही रहना था। पर नौकरी नहीं मिली है, मेरे फादर साहब यही काम करते, मेरे दादा यही काम करते थे, मेरे ताया जी यही काम करते थे, तो तभी से मैं इस काम में पड़ी। मेरे भाई बैठे इधर, भाई साहब बड़े बैठे, तो यही काम करते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन कारीगरों के मुताबिक बदलते दौर ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी और रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। पीतल और तांबे की आसमान छूती कीमतों के कारण लोगों ने अब तांबे और पीतल के बर्तनों से दूरी बना ली है। महंगाई बहुत हो गई है, पीतल बढ़ गई है। पीतल जो आज 84 अपने 90 के तकरीबन थी, 80 रुपए किलो पीतल 90 में, अब वो पीतल जा रही है 550 रुपए के जी, तो कोई पीतल लेता ही नहीं है। और पीतल को छोड़ रहे हैं महंगाई के कारण, महंगाई इतनी हो गई है तो क्या करेंगे। एक बर्तन अगर घर वाला एक बर्तन अगर लेने जाता है, वो बर्तन 2000 रुपये का आता है। वही बर्तन स्टील का लेने जाता है, वो 100-150 रुपये का आता है।
इस कारण हमारा काम रह गया। इन कारीगरों के मुताबिक तांबे और पीतल में बना खाना पौष्टिक होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग तांबे और पीतल के बर्तनों की अनदेखी कर रहे हैं। जो स्टील है, स्टील के साथ कई प्रकार की बीमारी है। जो पीतल के बर्तन है वो लोग पॉलिश करा के लेते थे, उसको यूज करते थे, उनका बेनिफिट बहुत है। पीतल बेच रहे हैं घर की और स्टील सस्ती खरीद रहे हैं और अल्मोनियम खरीद रहे हैं, वो बीमारी अंदर बांट रहे हैं अपने। एक समय था जब जम्मू में 100 से अधिक लोग शहर में पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन अब चंद ही कारीगर इस काम को करने के लिए रह गए हैं। अपने 100 मेंबर था जम्मू कश्मीर में, ये काम करने वाला था, ये 4-5 रहेंगे, बस काम डाउन हो गया है। क्या कारण है? वो कई बर्तन डाली हैं, कहीं नौकरी करने लगे हैं, जो पुराने बुजुर्ग तो चले गए, पुराने जो बुजुर्ग थे वो चले गए, जो उनको नवी जनरेशन थी वो काम छोड़ बैठे हैं। पहले गलियों में लोग आते थे, तोबा पांडे कली करा लो। उस वक्त हम, मुझे याद, हम भी छोटे छोटे थे तो चार पे कोड़ी के हिसाब से चलते थे। चार पे कोड़ी मतलब कोड़ी का 20 बर्तन होते थे उसमें, एक कोड़ी में 20 बर्तन होते थे और चार पे लेते थे और 20 बर्तनों को कली करके वो घंटा बैठ के फर्स्ट क्लास कली करके जाते थे। आए वो बेचारे है ही नहीं दुनिया में, वो काम ही नहीं रहा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के मुताबिक तांबे के बर्तनों में खाना पकाना और खाने से शरीर में कॉपर की कमी पूरी होती है। तांबे के बर्तन में रखे गए पानी से सभी प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जो डायरिया व पीलिया सहित पेट संबंधी रोगों को पैदा नहीं होने देता। वहीं थायराइड से निपटने में भी सहायक है। पीतल के बर्तन पौष्टिकता बनाए रखते हैं, वही स्टील, अल्मोनियम तथा नॉनस्टिक बर्तनों में तैयार किए गए खाने की गुणवत्ता ना के बराबर रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आज स्टील, अल्मोनियम और नॉनस्टिक बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू के जीएमसी अस्पतालों में स्थित आई बैंक ने अब पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है। आंखों के विभिन्न के यहां पर एचओडी डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया है कि आई बैंक की सेंट्रल बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद 2 मरीजों की यहां पर क्रिप्टोलास्टिक भी किया गया है और उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में नेत्रदान करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी गए नेत्रदान से 2 लोगों को जिंदगी में रोशनी आ सकती है। आई बैंक जो है दैट इज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल बॉडी, सो इट्स ए फुली फंक्शनल आई बैंक नाउ। ओके, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिले हुए हमें 15-20 या 1 महीने के करीब होने वाला है। आप तो जो सर्टिफिकेट्स हमें मिल गया है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद हमने 2 क्रिप्टोप्लास्टीज की। अब मेन प्रॉब्लम है कि आपको आईज मिलनी चाहिए, लोग तो प्लेज कर देते हैं, लेकिन जो आंखें हम लेते हैं वो डेथ्स के विद इन 6 आवर्स लेनी है। तो वो जब देने की प्रॉब्लम आती है तब लोग जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मेरी सभी से अपील यही है कि अब आपके शहर में अपना आई बैंक है तो लोगों, जब भी आपके किसी क्लोज रिलेशंस में, किसी दोस्त में या कोई जान पहचान के लोगों में डेथ होती है तो 6 घंटे के अंदर अंदर हमें आँख अगर मिल जाए, अगर वो रेडी हो जाए आँख को डोनेट करने के लिए, तो एक बंदे के दान करने से, एक आदमी के दान करने से 2 लोगों को जो है वो नज़र आ सकती है। तो मेरी सभी से अपील यही है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इन केस ऑफ डेथ जो, उनको मोटिवेट करिए कि आँखें अभी आप किसी काम की नहीं है तो ये नेत्र दान करके जाइए और आपके एक दान करने से 2 लोगों की नजर आएगी। जम्मू नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वर्ग में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का 2 पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार दिल्ली में आयोजित प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, निगम आयुक्त अवनी लवासा और जम्मू नगर निगम की स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया व सचिव अतुल गुप्ता ने हासिल किया है।
मनकोटिया ने बताया है कि जिस तरह से जम्मू नगर निगम शहर से निकलने वाले प्लास्टिक को निस्तारण के लिए काम कर रहा है, उससे देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहना मिल रही है। जम्मू नगर निगम के इस कार्य को देखते हुए प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया द्वारा सम्मानित किया गया है। आप सब जानते ही हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया की तरफ से एक अवार्ड दिया गया है, जो हम इंडिया में दूसरे नंबर पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई है। जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए MRF लगाए हैं, हमारे मेयर साहब, हमारी कमिश्नर, इन्होंने जो एफर्ट्स किए थे इस यूनिट को लगाने के लिए, तो इस यूनिट से अब जो यूनिट हमारा इस ढंग से काम कर रहा है कि सबकी नज़र हमारे काम पे है। बिश्नाह में चोरों ने ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ नजर आ रहा है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े वाहनों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। ताजा मामले में पुलिस स्टेशन बिश्नाह में किसी काम से आए पूर्व लेक्चरर की मोटरसाइकिल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाई है। मैं इधर बिश्नाह पुलिस स्टेशन CID वेरिफिकेशन के सिलसिले में आया था और मैंने बाइक लाई थी UP 11, इसका नंबर है JK02N86, जहाँ मैंने पार्किंग की और मैं अंदर CID ऑफिस गया, तो जो ही मैं 10 मिनट के बाद वापस आया तो जहाँ से मुझे मोटरसाइकिल गायब पाया गया। तो मैंने आगे पीछे बाजार सारा घूमा देखा, लेकिन मुझे कोई कहीं पे नहीं मिला। फिर मैंने पुलिस स्टेशन अंदर जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, तो मैंने एप्लीकेशन दे दी है, रिपोर्ट दर्ज करा दी है, अब इसके बाद पुलिस कार्रवाई करे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।